हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कोच जे, आपका अपना पर्सनल ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं कीटोन सप्लीमेंट की, जो कि बहुत ही हॉट सेलिंग सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट्स आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, चाहे अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, हर जगह आपको ये सप्लीमेंट अवेलेबल है। और दूसरा, ये जो जिम के ट्रेनर्स हैं वो भी बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं कि आप कीटो सप्लीमेंट खाइए और आपका फैट बर्न हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है और रिसर्च में भी देखा है कि ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं लिखना जो कि क्लेम को अप्रूव करे कि इससे फैट लॉस होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, इसको समझते हैं कि कीटो सप्लीमेंट्स काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो कीटोन्स का समझ लेते हैं। कीटोन्स एक्चुअली हमारा एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, जब भी हम फास्टिंग स्टेट के अंदर होते हैं और या हम कीटोसिस के अंदर, जब हम कीटोजेनिक डाइट के अंदर हो, तो ये कीटोन्स बनता है जो कि हमें एक एनर्जी देता है। और एक ऑल्टर्ड फ्यूल भी है, जब आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है तो आपके हार्ट, ब्रेन और मसल्स को यहीं से एनर्जी मिलती थी। एक ऑल्टरनेटिव एक फ्यूल सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं कीटोजेनिक सप्लीमेंट्स की वैरायटी कौन कौन सी। तो दो कॉमन वैरायटीज़ जो अवेलेबल है, एक रेसबरी कीटोन्स है और एक एक्सोजेनस कीटोन सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है। तो रेसबरी जो कीटोन सप्लीमेंट्स हैं वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक अरोमेटिक कंपाउंड है जो कि रेसबरी और फ्रूट्स वेजिटेबल में मिलता है, बहुत ही कॉमन है। और इसके अलावा ये बहुत ही कॉमन इन्ग्रीडियंट है जब हम बात करें फ्लेवरिंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स की। तो बहुत रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, जिसमें हमें पता लगा कि भाई रेसबरी जो कीटो सप्लीमेंट्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं, ना ही इनका कोई यूज़ है। इसके अलावा बसते हैं हमारे एक्सोजेनस कीटो सप्लीमेंट्स, जो कि दो फॉर्म्स में आते हैं, ईस्टर फॉर्म्स में और सॉल्ट फॉर्म इसका है। कीटो सॉल्ट और कीटो ईस्टर फॉर्म्स बोलते हैं इसको, जो कि मार्केट में हर प्लेटफॉर्म में, जैसे मैंने बताया, अवेलेबल है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक सिंथेटिक मैन मेड कंपाउंड्स हैं, जिसको खाते ही आधे घंटे और 45 मिनट में आपका जो है ब्लड लेवल में कीटोन्स एक ऑप्टिमल लेवल तक पहुँच जाता है, और वो 2 से 3 घंटे तक जो है एलिवेटेड रहता है। तो अब मैंने आपको ये बता ही दिया है। इसके अलावा हम समझ लेते हैं कीटो सप्लीमेंट्स काम क्यों नहीं करते, फैट लॉस होता क्यों नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को बात करते सुना होगा, ये रिसर्च है, वो रिसर्च है, काम नहीं करता, मत खाइए। मगर किसी ने ये नहीं बताया कि कीटो सप्लीमेंट्स काम क्यों नहीं करते। तो उसको आप डिस्कस कर लेते हैं, और मुझे लगता है आपको भी क्लैरिफाई होगा ये टॉपिक और आपको भी समझ में आएगा क्यों काम नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप कीटोजेनिक डाइट करते हैं तो आपकी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस करती है, जो आपको एनर्जी देती है। मगर जब आप कीटोन्स एक्सटर्नली डालते हैं तो बॉडी का जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है अपनी प्रोडक्शन के लिए, एक रिसेप्टर होता है प्यूमा जी रिसेप्टर, वाया प्यूमा जी रिसेप्टर्स टू दी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे एडिपोसाइट्स को फैट सेल्स बोलते हैं, उसके अंदर हमारा स्टोर्ड फैट होता है और लाइपोलाइसिस होता है, जिसको ब्रेकडाउन ऑफ फैट बोलते हैं। जब आपने बाहर से लिया तो बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है अपनी प्रोडक्शन बंद कर देती है, तो वो मैकेनिज्म बिल्कुल ही बंद हो गया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो कीटोन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप एक्सटर्नली लेते हैं। तो आप एज्यूम कीजिए कि आप बाहर से भी कीटोन्स सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही है, तो उस सिचुएशन में बॉडी की हालात कैसे होने वाले हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बॉडी में कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है बॉडी के लिए। तो बॉडी बहुत ही स्मार्टली प्ले करती है और अपनी प्रोडक्शन बंद कर देती है, अपना मैकेनिज्म बिल्कुल बंद कर देती है, और बाहर से कीटोन्स आने, क्योंकि बॉडी में कीटोन्स आ रहे हैं और एक एक्सटर्नल कंपाउंड होते हैं, तो बॉडी बिल्कुल लाइपोलाइसिस बंद कर देती है और मेंबर्स को लगता है कि हमारा फैट लॉस होता जा रहा है और हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ये रीजन हुआ कि आपका फैट लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि जितनी मात्रा आपकी कीटोन्स की बॉडी में बनती जाएगी उतनी ही बॉडी इनहिबिट करती जाएगी, मतलब प्रिवेंट करती जाएगी फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बॉडी आपकी फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूटिलाइज करेगी जब आपकी कीटोन्स वैल्यू ब्लड में ज्यादा होगी। ये तो बात होगी फैट लॉस क्यों नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ऑल दो साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ही टेम्प्रेरी हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया आपको, आपको डायरिया हो गया, नॉजिया हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। इसका रीज़न साइड इफेक्ट का ये है, जैसे मैंने आपको बताया दो फॉर्म्स हैं इसकी, एक तो कीटोन ईस्टर है, कीटोन सॉल्ट। इसमें ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स कि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे एब्डोमिनल के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है और अडाप्टेशन हो नहीं पाती इनिशियली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो हो जाती है।
इसके अलावा हम बात कर ले, मेंबर्स बोलते हैं कि हमारा सर एपेटाइट जो है हमें तो भूख नहीं लगती, उसका नाम कि हम तो बहुत बढ़िया, हमारा तो फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा यूटिलाइज हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीज़न लॉजिकली और साइंटिफिकली ये है, हमारी बॉडी में एक जब आपको भूख लगती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है ग्रेलिन। तो जब आप जैसे ही इसको एपेटाइट, जैसे ही आपको आप खाते हैं इस सप्लीमेंट को, वैसे ही आपका सप्रेशन हो जाता है ग्रेलिन का, तो आपको भूख कम लगती है और आपको लगता है कि हमारा एनर्जी सोर्स बना हुआ है और हमारी एनर्जी बहुत बड़ी बनी हुई है। उस एनर्जी बनने का रीज़न है जो उसके अंदर कंपाउंड है कैफीन, उसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। सबको पता है कैफीन CNS स्टिम्यूलेटर है, आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है और उसके प्रूवन रिजल्ट्स है, इसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। बट ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला है, ऐसा कोई भी स्टडी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं निकला जो बोले ह्यूमंस के ऊपर स्पेसिफिकली कि कीटोन सप्लीमेंट से रिजल्ट आया। बट इसके अलावा जो रिज़ल्ट आता है लोगों को कीटोन सप्लीमेंट जो यूज़ करते हैं, वो ओवरऑल कैलोरी जो उनका रिस्ट्रिक्शन होता है उसकी वजह से आता है, और जो सप्रेशन हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेलिन की वजह से जो सप्रेस हो जाता है उसकी वजह से रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज़ इसका कीटोन सप्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो मेंबर्स, एक टिप है अगर आप इसको समझ पाएँ तो, जो हमारे मेंबर्स जो हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये मैंने टिप पे बहुत काम किया और ये निकल के आया है, जो कि एंड्योरेंस नहीं हाइपरट्रॉफी करना चाह रहे हैं उनको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। रिसर्च ने देखा और मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, बल्कि इससे अच्छा आप जो है उस पैसे को जिससे आप खरीदने वाले हैं उससे बल्कि आप बढ़िया है आप कैफीन और क्रिएटिन लें जिसके रिजल्ट प्रूवन है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लैरिफाई हुआ होगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, मगर मैं बनाने को बहुत लंबी वीडियो बना सकता था, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, तो मैंने टू द पॉइंट बनाया कि आपको समझ आए। कहानियाँ मैं बना सकता था, मैंने बनाई नहीं है, बट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल रखा है तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं और उसमें मैं बना पाऊँगा और आपको हेल्प कर पाऊँगा। लाइक माई चैनल कोच जे फिटनेस, मैं हूँ आपका अपना पर्सनल ट्रेनर। आई होप मैं अब दोबारा से आऊँगा एक अच्छी वीडियो लेके और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।